अब बढ़ते हैं बिहार की ओर क्राइम कंट्रोल पर बैठक कर रहे थे डीजीपी लेकिन शहर में अपराधी बरपा रहे थे कहर जी यहाँ पर अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर अपराधी जो हैं वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं और उनके मन में कानून का किसी भी तरीके का कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहीं अगर बात की जाए तो कल ही यहाँ पर कटिहार में प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यहाँ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जांचने के लिए और उसकी स्थिति किस तरीके की है उसे देखने के लिए एक बैठक उन्होंने की कई आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे उस वक्त जिस वक्त वो नगर में वहाँ पर बैठक कर रहे थे और बैठक में ये कोशिश की जा रही थी कि तरीके से इन सारे अपराधियों पर लगाम कसी जाए और दूसरी ही तरफ वहीं पर अगर बात की जाए तो कुछ ही दूर कटिहार में ही कुछ ही दूर पर दो एक एक नेता को और एक टेक्सटाइल और एक टाइल्स व्यवसायी को और साथ ही बीजेपी के एक नेता को दुकान में घुसकर गोली मार दी गई दिन दहाड़े ये घटना हुई है इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वहां पर रंगदारी के मामला ये पूरा का पूरा जो मामला था वो रंगदारी का मामला था जो अपराधी थे बदमाश थे वो वहां पर बंदूक लेकर उस दुकानदार से पैसे देने के लिए गए हुए थे और उस वक्त जब उसे को जब दुकानदार धमकार को बदमाश धमका रहे थे उस वक्त वहां पर बीजेपी नेता मौजूद थे और उन्होंने कोशिश की कि दुकानदार को अपराधियों से बचाया जाए उस वक्त बदमाशों ने वहां पर दोनों को ही यहां पर गोली मार दी है और साथ ही बता दें कि अभी फिलहाल जो दोनों की हालत काफी गंभीर यहां पर बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें पूर्णिया भेजा गया है और हमले के कारणों का फिलहाल पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पा रहा है लेकिन एक्सट्रॉशन का यह मामला जो है वो बताया जा रहा है और साथ ही सीसीटीवी पर जो ये घटना है वो पूरी की पूरी कैद हो चुकी है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है पड़ताल कर रही है और साथ ही ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को